जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा गंभीर है, और डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, इसका इदराक गवर्नमेंट को भी है, और जो शुमारियात हमारे सामने स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं उनमें भी नज़र आ रहा है, क्योंकि हर हफ्ते जो इन्फेक्शन रेट है वो बढ़ रहा है, जो लोग वेंटिलेटर पे हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, जो क्रिटिकली इल है उनके, क्योंकि NCOC में उन्होंने सारे अस्पतालों से एक रब्ता है उनका, तो उनको पता लग जाता है कि मुल्क में इस वक्त कितने मरीज़ हैं जो एक सीरियस सूरत हाल पे हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी हमारी जो पॉलिसीज़ हैं अब इस चीज़ को मद्देनज़र रख रही हैं कि हालात काफ़ी ख़राब हैं। नहीं, जो जो टारगेटेड लॉकडाउन है वो तो हो रहा है, यानी कि ये नहीं हुआ कि सारा शहर ही बंद कर दिया जाए, लेकिन इलाके बंद किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो बंद किए गए हैं। जब हमें पता चला कि ये हालात हैं तो हमने मिसाल के तौर पे अपनी सारी पब्लिक मीटिंग्स जो हैं, जब NCOC ने कहा कि जी पब्लिक मीटिंग्स ना हो, हमने सारी कैंसिल कर दी। पब्लिक एक तालीमी फैक्टर था कि पिछले 3-4 माह में जब स्कूल्स बंद हुए तो ख़ास तौर पे गरीब बच्चे या देहात के बच्चे जिनके पास ऑनलाइन एजुकेशन का कोई सिलसिला नहीं था, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ पढ़ाई का। और जो स्कूल से बाहर बच्चे थे, जिसको हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कहते हैं, उनकी तादाद में इजाफा हुआ। इसलिए ऑब्वियसली जो एजुकेशनिस्ट हैं उनका ख्वाहिश होती है कि वो जिस हद तक मुमकिन है बच्चों की तालीम को हर्ज ना हो, लेकिन अब ये है कि जो जिस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, और एक एक जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वो ये है कि मसलन आज ही मैं न्यूयॉर्क टाइम का एडिशन यहाँ पे आता है तो मैं उसमें आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें एक बड़ा वेल नोन कॉरेस्पॉन्डेंट है, कॉलमनिस्ट है उनका, क्रिस्टोफ, निकोलस क्रिस्टोफ, वो आर्गू कर रहा है कि जी जो छोटे बच्चे हैं इनसे तो नहीं फैलता कोरोना, तो स्कूल बंद करना जो है वो अनप्रोडक्टिव है। न्यूयॉर्क में कल या परसों स्कूल बंद किए तो उसके खिलाफ एहतजाज वहाँ पे शुरू हो गया। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट किसी ने सर्कुलेट की हुई है कि जी बच्चों की तरफ से तो कोई इन्फेक्शन नहीं, ना फैलता है ना उनको होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें जो है ना, ये जो इकदाम करने होते हैं उनमें रुकावटें बनती हैं कि लोग कहते हैं जी आप तो हमारे खास तौर पे जो लो फी पेइंग प्राइवेट स्कूल है, आप तो हमारे रोजगार पे, हाँ निजी स्कूलों का तो बड़ा मसला ही होता है, कहते हैं हमारी इनकम खत्म। लेकिन अब ये है कि हवी साहब, हम सोमवार को एक फाइनल मीटिंग कर रहे हैं 11:15-11 बजे, जिसमें सारे सूबे शामिल होंगे, जिसमें सारी इकाइयाँ हैं, बिल्कुल बलूचिस्तान, ये जितने और भी बड़े बड़े स्कूल सिस्टम्स हैं, आर्मी के स्कूल सिस्टम्स हैं, आर्म्ड फोर्सेज के हैं, उनको सबको शामिल करके, तो हम एक तजवीज़ लेके आ रहे हैं। अब ये तजवीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फैसला नहीं है, लेकिन हमारी ख्याल में कि 25 नवंबर तक, यानी कि मीटिंग से 2 दिन बाद, हमें तालीमी इदारों पे बंदिश लगानी चाहिए, और उसके बाद फिर और कई चीज़ें हैं, यानी कि उनको बंदिश, हम चाहते हैं कि घर से पढ़ाई शुरू हो जाए बजाय कैंपस में, तो उसके भी हमने पूरे फार्मूला सजेस्ट किया है कि जहाँ तो ऑनलाइन है वहाँ ऑनलाइन हो, लेकिन जहाँ ऑनलाइन नहीं है वहाँ बच्चे एक दिन आके होमवर्क ले जाएँ और फिर चले जाएँ। इस तरह का कुछ सिस्टम इस तरीके से है कि जो जो बच्चे जिन जो ऑनलाइन तालीम जिनके लिए अवेलेबल नहीं है, उनकी भी पढ़ाई का सिलसिला जो है वो जारी है। बहरहाल वो एक पूरी तफसील हमने बनाई है जिसमें हम ये समझ रहे हैं कि स्कूल इटसेल्फ बंद नहीं होंगे, इन द सेंस के टीचर तो आएंगे और बच्चे भी रबते में रहेंगे ताकि पढ़ाई का सिलसिला भी साथ साथ जारी रहे। ठीक, तो ये जी नहीं सॉरी ये मंडे को इंशाल्लाह सिचुएशन मंडे को आप लोग इस पे फाइनल।